एक्स्ट्रा चुलबुल चुलबुल। अरे बस्ती तो बहुत अच्छा स्मेल है। अरे वो भोला और चुलबुल कहाँ बन? अरे चुलबुल कहाँ रही ले? अच्छा वो भोला कहाँ बन? भोला लगा पी के इंतजाम कर रहा था। अरे वो हमेशा पिया नहीं किस तरह से। अरे चलो हम ये पूरा अरे वाह बस्ती तो बहुत अच्छा सजा था। अरे भोला और चुलबुल कहाँ बने? ये कब तो होंगे? ये देखा है मैंने। अरे चुलबुल कहाँ रह गए? अच्छा वो भोला कहाँ है? भोला का पीए के इंतजाम कर रहा था। अरे वो हमेशा पिया ही के चक्कर में। चलो हमने के पुराने चलो 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 मतलब ला इधर अपना ये खबर छपवा दो अखबार में। क्या छपवावे खबर आया YouTube में छप गया। नहीं तो कोई कोई होगा लाइव में छपवा रहा। कहाँ मराठी ट्वीट कर रहा इधर आ। अब कुछ हाँ मीडिया के लिए कुछ दे दीजिए। इधर ले हिला हिला दीजिए मीडिया के लिए न्यूज़ के लिए। हिला हिला बजा 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 नहीं बिना बजे के बिना बजावा हो इनके कादे। नो साउंड नो साउंड सर ऐसे एक दिखा दीजिए। हीरोइन आपको सपोर्ट कर रही है ना? पकड़ेगा पकड़ेगा नो टेंशन देखा नहीं सॉरी यार। त्रबागो नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे बस नीचे ओके। आजू बाजू मेरे आने का नहीं पॉकेट में उही पटाने का नहीं पटाने का नहीं पटाने सॉन्ग आजू बाजू मेरे आने का नहीं पॉकेट में यूं ही पटाने का नहीं। जरा यहाँ ऊपर कोई हिलो मत भाई हिलो मत। बेबी के आगे भी गेटवे लगा दो। गेटवे मार हां बेबी के आगे थोड़ा वाइड करो। ओवर का गेटवे मेरे आने का नहीं पॉकेट में यूं ही पटाने का नहीं। थोड़ा वाइड करो हाथ हाथ थोड़ा ऊपर करके कर सकती है ये नजदीक थोड़ा फेस के पास। अच्छा चूड़ियों को बीच में रख क्या ऐसा हां ये कैसे करेगी थोड़ा बाहर ले रहे इधर लो द राइट वे लाइट जला चलो।
तो कहल चाहब की गेटअप बड़ा डिफरेंट बाटे थे का कहल चाहब कौन फिल्म का भाई से सबसे पहले हम के जे भी दर्शक लोग देख रहा बा सब बड़ भैया चाचा माई बहन सब लोग के हम अरविंद अकेला कलू बार बार प्रणाम करत नहीं और आज हमार फिल्म कहानी किस्मत की ट्रिपल के का शूटिंग चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से आप लोग के भी शूटिंग चल रहा है। ये सेकेंड शेड्यूल है हमारे मूवी का और आज हम डांस का प्रोग्राम है इस फिल्म में तो वहीं देखने के लिए आए हुए हैं और बहुत ज़ोर शोर से देख रहे हैं आप लोग। तैयारी चल रही है और हम लोग के गांव में भी जब प्रोग्राम होला तो बड़ी शौक से लोग करावल थे हमने के बॉम्बे के ऊपर ही कहानी बता चौल में आज पूरा चौल सजावल गई बा राम रहीम चौल है हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो याद ही नहीं है कभी लड़की मेरे से पटी होगी। वैसे पटाने के समय में ही गाना वाला लाइन में आ गए थे हीरोइन को पटा लेते हैं। हाँ हीरोइन को गाने का सिचुएशन यही आया है हम डांस देखने आए हैं पुराण देखने और जो लड़की सामने डांस करे उसी से हमको प्यार हो जाता है। प्यार तो प्यार है प्यार हो जाता है प्यार किया नहीं जाता है तो बस हमको इनु श्री से प्यार हो गया है इस फिल्म में। आगे क्या विचार है? अब आगे वही होता है प्यार के बाद शादी होता है शादी के बाद सुहाग रात होता है सुहाग रात के बाद लड़का होता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो शादी करने के लिए और बच्चा होने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए इस फिल्म का जो डायरेक्टर है हमारे बाली जी के साथ आपकी एक और फिल्म रिलीज हो रही है रंग 24 तारीख को और उसकी शूटिंग भी चल रही है तो दोनों एक साथ कितना आप खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि 24 फरवरी को हमारी फिल्म रंग रिलीज हो रही है जिसके डायरेक्टर है बाली जी और उनके साथ बैक टू बैक ये कहानी किस्मत की तो मतलब जितना बताऊं शब्द कम है। कल्लू को सही में कहानी किस्मत की कहानी खुल गई है। हाँ हाँ आप लोग का प्यार रहा तो एकदम अब तो खुल ही गया है धीरे धीरे खुल रहा है और 24 फरवरी को अगर आप लोगों ने साथ दिया तो पूरा खुल जाएगा। नहीं, हमारे पूरे दर्शक आपको साथ देंगे हम दर्शकों से क्या कहेंगे? बस ये कहब कि जैसे आप लोग पहले प्यार आशीर्वाद दिल बनी हमारे फिल्म 24 फरवरी के रिलीज होता है आप सब लोग जितना हमके देख रहा बानी सब लोग से निवेदन बा कि अपना पूरा परिवार के साथ अपना पूरा दोस्त लोग के साथ जाई अपना नज़दीकी सिनेमा घर में और हमारा फिल्म रंग के देखी और रंग में रंग जाई। चाहते हैं कि एक पर एक ऑफर कुछ फ्री मिले तो इस बार क्या ऑफर मिलने वाला है? रंग फिल्म देखेंगे तो उसमें ऑफर ही ऑफर है मतलब इसके पहले मैंने भी मूवी बनाई है सभी अच्छी अच्छी मूवी है सभी ने दर्शकों ने प्यार दिया है लेकिन रंग से मुझे काफ़ी उम्मीद है और बहुत मेहनत किया हम लोगों ने तो ऑफर तो हम लोग देते रहेंगे लेकिन पहले रंग आप लोग देखिए और प्यार दीजिए और वो पूरा आप लोग फिल्म देखेंगे तो कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि रंग रंगा नहीं है कहीं मोहब्बत का रंग है कहीं प्यार का रंग है कहीं कलर वाला जो हमने के होली खेलने से वो भी रंग है। साली खातिर हम एगो गाना गौले बनी वो आप मैं साली लोग के सुनाते नहीं कहा कि होली देवर भाभी जीजा साली के ही होला मरद मेहरारू तो 365 दिन लागल रह लो तो दूसरा के भौजाई लोग दूसरा के साली लोग पर हम गाना गा तो एक गाना गाना चाहेंगे साली बोलती है कल्लू जीजा जी से अरे हाथ जानी डाली सलवार में हमके न धरी अखबार में तो मैं गाता हूँ अरे होलिया के मजा ले ला चढ़ के महाबोधि में सारा कह जीजा जी के गोदी में। थैंक यू। कितना नीचे भगवान तो हर भला कर मैं भी पकड़ लूँ क्या? नहीं नहीं इनू जी बात कर जाए आज आपका गेटअप डिफरेंट है और नाइट का सीन है क्या कहना चाहेंगे क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी ये सीन हमारी फिल्म कहानी किस्मत की मूवी का है
और ये कास्ता मैं डांस कर रही हूँ एक मराठी लुक पे, जिसमें गाने तो भोजपुरी है लेकिन बीच में मराठी फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा, और जो म्यूज़िक है इसका ये पूरा मराठी पे बेस्ड है। तो ये क्या है ना, मुंबई बेस्ड लोगों के लिए और हमारे यूपी बिहार के लोगों के लिए, दोनों के लिए है। और जब आप देखेंगे तो आपको गाना बहुत अच्छा लगेगा। और ये कास्ता पहन के मैं ऑलरेडी एक और फिल्म की हूँ उसमें भी, जो कि है साथ जी की मूवी, तो वो गाना भी बहुत अच्छा हुआ है, उसमें भी वही मराठी फ्लेवर है। इनु जी बात, इस फिल्म के जो गीतकार हैं एस कुमार है, ठीक है, ये जो गाना चल रहा है, और म्यूजिक डायरेक्टर है रत्नेश जी, जी क्या कहेंगे उन दोनों के लिए? सर मैं बताना चाहूँगी कि आप सब जानते हैं जैसे ये दोनों ही बहुत अच्छे गायक और संगीतकार हैं, और ये गाना सुनने के बाद आपको और भी पता चल जाएगा कि कितने अच्छे गायक और संगीतकार हैं। तो ये गाना बहुत ही अच्छा हुआ है, और उन दोनों को मैं हमेशा बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और उनका बेस्ट विशेस मैं लेना चाहूँगी। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं नहीं, आजू बाजू आने का नहीं, फोकट में यूं ही पटाने का नहीं। कल्लू जी के कितना पटाने नहीं, कल्लू जी से तो मैं प्यार करती हूँ, तो वो फोकट में ना उन्होंने पटाया ना मैं पट रही हूँ, मैं ऑलरेडी उनसे प्यार करती हूँ तो मैं उनके प्यार में पागल हूँ। पिक्चर में प्यार करें, पिक्चर के बाहर भी? नहीं नहीं पिक्चर में ही प्यार करते हैं। फोकट में कोई लड़का तक पटा? नहीं नहीं फोकट में लड़के नहीं पटते हूँ, आजकल बहुत वो लोग मालदार लड़कियाँ देख के पटाते हैं और बहुत सारे केसेस आप सुन ही रहे होंगे बालिका वधू की, उनका कि सब क्या हुआ है उसमें, तो वो सारी चीज़ों से दूर ही रहना बेहतर रहेगा। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आगे मतलब इस साल 2017 में मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवी आ रही है, जिसमें तुम्हारे प्यार की कसम है और कहानी किस्मत की है, उसके बाद सर्वशक्तिशाली महादेव है, जंग सियासत की है, राकेश जी के साथ राधे रंगीला है, तो ये सारी फिल्में मेरी बहुत ही अच्छी मूवी है, ये 5 मूवी जिनका मैं नाम बताई हूँ, तो प्लीज़ आप जाके इनको ज़रूर से देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा।